साथियों, पिछले 6 महीने का अगर लगातार आप मीडिया की रिपोर्ट उठा के देखें, यूट्यूब चैनल्स का रिपोर्ट उठा के देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भिलाई दुर्ग में लगातार जो ये ओवर ब्रिजेज है, और चाहे कोई भी ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, सड़क हो, वो लोगों के विकास के लिए बनी है या खूनी सड़कें और खूनी ओवर ब्रिज बनी है। इस ओवर ब्रिज में जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है नेहरू नगर भिलाई ओवर ब्रिज, जहाँ पर 2 से 3 दिन पहले एक युवक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का कारण सिर्फ एक बनता है, वही लाइट का ना होना। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये ओवरब्रिज करोड़ों की लागत में बना था, और ओवरब्रिज के करोड़ों लागत में बनने के बाद यहाँ की जो स्थिति ये है कि 2 साल के अंदर लाइट यहाँ जलनी बंद हो जाती है। अभी हम लोग हाल ही में आ रहे थे, कुछ लाइट जली हुई है, और लेकिन रात को जो सबसे ज्यादा जरूरत है लाइट की, तो उस वक्त में लाइट नहीं रहती। अब इस पर हमने 3 दिन पहले, मतलब हमने एक रिपोर्ट बनाई थी इसी लाइट पर, चलते देखिए आप रिपोर्ट पहले देखें। एक ब्रिज बना है जो कि नेहरू नगर को भिलाई से सेक्टर 7 को सेक्टर को जोड़ता है। ये ब्रिज में पूरे ब्रिज में कहीं भी लाइट नहीं है, सिर्फ 2-4 जगह लाइट है। और अभी हम लोग आ रहे थे तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा डिवाइडर पे जाकर टकरा गया, क्योंकि उसको डिवाइडर दिख ही नहीं रहा था। तो ये जो घटना है, मैं आपको ले जाके मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अंदर में कि कितना अंधेरा है और लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं। मैं आपको अंदर का दिखाया, ये पूरे रोड लाइट का कहीं भी लाइट नहीं था। अभी यहाँ तो हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, बेचारा वो तो बच गया, वो चला गया, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ। इसी तरीके से लापरवाही होता है, ये लापरवाही का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि यहाँ पर लोगों की जान से खेला जाता है और लाइट नहीं है, एक्सीडेंट होना ही स्वाभाविक सी बात है। तो साथियों, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज, और मैं गूंज लाइव न्यूज से शिव कुमार सिंह आप लोगों को लेकर के आए हूँ खूनी ओवरब्रिज, जिसमें लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। तो मैं इस वीडियो को खूनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रशासन की, सरकार की लापरवाही है। तो साथियों, आपने देखा इस रिपोर्ट में हमने साफ तौर पर बताया था इस वीडियो को नहीं जल रही, और ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने बनाई थी। और उसके ठीक अगले ही दिन एक युवक अपने घर से निकलता है, जो कोका में रहता है, वहाँ से आयुष नाम का निकलता है, व्यापार मेला स्विक सेंटर वहाँ जाता है, वहाँ पहुँचता है, पहले से ट्रेड ही आता है अपने मित्र के यहाँ, वहाँ पर गाड़ी रखता है, वहाँ से कार में अपने दोस्त के साथ निकलता है व्यापार मेला, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर व्यापार मेला से आ रहा होता है, गेट से बाइक अपनी उठा करके कि पीछे से यहाँ से इसी पोजीशन पे, इसी जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई पीछे से उसकी बाइक को, स्पेंडर थी वो बाइक, उसको ठोक देता है, ठोक के निकल जाता है। क्योंकि अंधेरा था, रात का वक्त था, तो आने जाने वाले को किसी को कुछ दिख नहीं रहा होता है, और वो जो युवक है आयुष, वो आधा घंटा करीब करीब पड़ा रहता है इसी सड़क पर। कोई, क्योंकि पूरा सुनसान था, किसी ने देखा नहीं किसने मारा, वो मार के भाग गया, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ये समस्या सामने आती है। दूसरा, घर वालों का ब्लेम है, उस युवक के घर वालों का कहना है कि ये जो ओवरब्रिज बना है सांप के आकार में, इसके कारण एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, पहले भी कुछ एक्सीडेंट हुए हैं। और दूसरा, लाइट तो है ही है, उनका ब्लेम प्रशासन पर है। मेरा सवाल प्रशासन से ये है कि इन ओवरब्रिजों को आपने लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए बनाया है या फिर और समस्या बढ़ाने की, जब ओवरब्रिज करोड़ों की लागत में आम जनता के पैसे का बना है, तो यहाँ पर लाइट क्यों नहीं जल रही? सुबह के टाइम में लाइट जल रही है, रात को नहीं जल रही है। इसका देख रेख की जवाबदारी किसकी? आम लोगों से भी मैं यही चीज बोलता हूँ, भिलाई निगम प्रशासन सो रहा है, आप लगातार वोट दे रहे हो, ये नेता मस्त है, मूर्तियों पर लड़ाई करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार मूर्तियों पर लड़ाई चलती है इनकी। पहले अटल बिहारी वाजपेयी को मूर्ति को लेकर के,
बीजेपी आगे बढ़ रही है, विपक्ष में जो निगम में भिलाई नहीं है बहुत साल, कांग्रेस लगातार सत्ता पे है, शहरी सरकार में है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते इस चीज पर, और आम जनता की जो परेशानी है वो वही की वही रहती है। मेरी स्पेशली इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग की गुहार है, जब तक आप नेताओं को प्रशासन से सवाल नहीं करना शुरू करेंगे तब तक ये समस्या आते रहेंगे, हमारे बच्चे आपके बच्चे इस प्रकार से जाते रहेंगे। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए ये है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपने और भी चैनल्स में देखा होगा, हमारा मकसद ये है कि कुछ बेहतर हो, कुछ बदलाव आए। इस ओवरब्रिज को लेकर थोड़ा समय जानकारी और दे, ये ओवरब्रिज लगातार सिविल संस्थाओं द्वारा लड़ाई करके कई सालों की लड़ाई के जरिए बना था। इसके ठीक नीचे फाटक था जहां पर लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती थी और काफी समय लगता था, इसके लिए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज नीचे बनाया गया, लेकिन भिलाई दुर्ग में लगातार इन ब्रिजों से और ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है लगातार पिछले 6 महीने की अगर रिपोर्ट देखें। फिलहाल के लिए मैं इस लाइव न्यूज से और भी इस प्रकार की जो न्यूजें हैं आप लोग को लाता रहूंगा। मुझे इस रिपोर्ट से इजाजत दीजिए, मैं शिव कुमार सिंह, मेरे कैमरे पर्सन अमन के साथ, नमस्कार।